I am your maths teacher. Today our second lecture. Lecture number one में हमने unit number five start किया था simplification. और उसमें हमने सबसे पहले brackets के बारे में पढ़ा था. Brackets की four types होती हैं. सबसे पहले when column यानी bar bracket. उसके बाद round bracket. Third one curly bracket and fourth one box bracket. और उसके बाद हमने board maths theorem भी पढ़ा था और उसके exercise 5.1 के क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे. आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व कर रहे हैं, जिसका मेथड बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने दूसरे दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे. इसमें हमने सबसे पहले बार ब्रैकेट को सॉल्व करना है. स्टार्ट करते हैं. 13.311 डिवाइडेड बाय 3.251 प्लस 2.045 माइनस 1.9 मल्टीप्लाई. इसमें हमने सबसे पहले बार ब्रैकेट को सॉल्व करना है और बार ब्रैकेट के अंदर सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन है, तो सब्ट्रैक्ट करना है 1.06 माइनस 1.02. 6 में से 2 माइनस करेंगे 4, 0.1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0, यानी 0.04 और हमारी बार ब्रैकेट सॉल्व हो गई है. इसको हम खत्म कर देंगे. नेक्स्ट है 13.311 डिवाइडेड बाय 3.251 प्लस 2.045 माइनस. अब हमने राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है और इसमें मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है, तो हमने 1.9 को 0.04 से मल्टीप्लाई करना है. 0.04 से मल्टीप्लाई करना है यानी 1.9 मल्टीप्लाई 0.04. 9 4 are 36, 6 or 3 carry, 4 1 is 4 and 3 7, 0 9 is 0 and 0 1 is 0. Next, 0 9 is 0 and 0 1 is 0. 6 7 0 and 0. अब हमने पॉइंट जो है 1 2 and 3 नंबर्स के बाद लगाना है. 1 2 and 3 यानी इसका क्या आंसर आया है 0.076 और ये हमारी राउंड ब्रैकेट भी सॉल्व हो गई है. अब हमने कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना है. 13.311 divided by 3.251 plus. इसमें subtraction का operation है, तो हमने equation को subtract करना है, यानी दोनों values को subtract करना है. अब हम minus करेंगे 2.045 minus 0.076. 5 में से 6 माइनस नहीं होंगे, तो हमने 1 कैरी लेना है. 15 में से 6 माइनस करेंगे 9, यहां पे 3, और अब 13 में से 7 माइनस करेंगे 6, और यहां पे 9 थे. 9 में से 0 माइनस करेंगे 9 पॉइंट और यहां पे 1 था, तो 1 में से 0 माइनस करेंगे 1, तो क्या आंसर आया है 1.969. नेक्स्ट 13.311 डिवाइडेड बाय. अब हमारी कर्ली ब्रैकेट भी खत्म हो गई है और बॉक्स ब्रैकेट है. बॉक्स ब्रैकेट में जो है वो एडिशन का ऑपरेशन है, तो वहां पर हमने क्वेश्चन को ऐड करना है.
one ten, zero one carry, six and six twelve, one carry, nine and two 11 and one 12, or point one carry, three and one 4 and one 5. तो क्या आंसर आ गया 5.220. अब हम 13.31 डिवाइडेड बाय 5.220 है, तो सबसे पहले इसका हम पॉइंट खत्म करेंगे. 3311 ओवर पॉइंट की जगह 1 और आगे कितने नंबर्स हैं 1, 2 and 3, यानी 3 जीरोस लगाएंगे. डिवाइडेड बाय यहां पे 5, 2, 2 and 0, पॉइंट की जगह 1 और 1, 2 and 3, 1, 2 और 3 जीरोस लगाएंगे. तो जब भी हम फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं तो हम सेकंड वैल्यू को रेसिप्रोकल लेते हैं और डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देते हैं. तो 13, 3, 11 over 1000 मल्टीप्लाई 1000 ओवर सेकंड वैल्यू का हम रेसिप्रोकल ले रहे हैं 5220. अब हम कटिंग करेंगे 1000, 1 is 1000 and 1000, 1 is 1000. नेक्स्ट कटिंग नहीं होगी तो 13, 3, 11 over 5, 2, 2 and 0. ठीक है, अब हमने इसको डिवाइड करना है 13, 3, 1, 1, 5, 2, 2, 0. अब हमने 5220 को ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है जो या तो इस वैल्यू के इक्वल आंसर आ जाए या फिर इससे थोड़ा सा कम हो, इससे इंक्रीज ना करें. 5220 मल्टीप्लाई बाय 2. जब हम 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 is 0, 2 2 are 4, 2 2 are 4 एंड 5 2 are 10. 2s are 10, 4, 4 and 0. 1 में से 0 माइनस करेंगे 1, नेक्स्ट 1 में से 4 माइनस नहीं होगा तो वहां से कैरी लेंगे. 11 में से 4 माइनस करेंगे तो 7, नेक्स्ट यहां पे 2 थे तो वहां से 1 कैरी लेंगे. 12 में से 4 माइनस करेंगे 8 और यहां पे 2, 2 में से 0 2. अब यहां पे ये वैल्यू छोटी हो गई है इससे, तो अब हमने ऊपर पॉइंट लगाना है और ये हमने पढ़ा है कि जब भी हम पॉइंट लगाते हैं तो नीचे वैल्यू के साथ जीरो लगा सकते हैं. तो अब हम दोबारा इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 5220 मल्टीप्लाई बाय 5. 5 0 is 0, 5 2 are 10, 1 carry, 5 2 are 10 and 1 11, 1 or 1 carry, 5 5 are 25 and 1 26, 5 2 6 1 0 and 0. 0 अब माइनस करेंगे तो 0, 1 में से 0 माइनस करेंगे 1, 7 में से 1 माइनस करेंगे 6 एंड 8 में से 6 माइनस करेंगे 2. अब फिर ये वैल्यू इस वैल्यू से छोटी हो गई है और हमने ऊपर पॉइंट लगाया है तो पॉइंट की वजह से नीचे अब हम 0 लगा सकते हैं. अब देखें, हमने 5220 को 5 से मल्टीप्लाई किया था तो बिल्कुल यही आंसर आया, तो दोबारा इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 26,100. तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया है तो आंसर क्या आया है 2.55. ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है. इसमें हमने क्या किया है, दोबारा रिपीट कर रही हूं,
कर्ली ब्रैकेट में सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन था तो हमने वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट किया है। कर्ली ब्रैकेट भी यहां पे खत्म हो गई है। उसके बाद हमने बॉक्स ब्रैकेट को सॉल्व किया है। बॉक्स ब्रैकेट में एडिशन का ऑपरेशन था तो हमने वैल्यूज को ऐड किया है। उसके बाद सारी ब्रैकेट्स खत्म हो गई हैं। अब नेक्स्ट जो है वो डिवीजन का ऑपरेशन है। तो डिवाइड करते हुए सबसे पहले हमने पॉइंट खत्म किया है। पॉइंट खत्म करते हुए पॉइंट की जगह पे 1 लगा दिया है। आगे जितने डिजिट्स हों उतने 0 लगाते हैं। तो हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। इसके बाद हमने डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया है। मल्टीप्लाई में जब भी वैल्यूज को कन्वर्ट करते हैं तो फ्रैक्शन का सेकंड वैल्यू का सेकंड फ्रैक्शन का हम रेसिप्रोकल लेते हैं। तो यहां पे हमने सेकंड वैल्यू का रेसिप्रोकल लेके उसकी कटिंग की है। कटिंग के बाद हमने उन दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर दिया है और आंसर 2.55 आया है। ये एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो गई है। इसकी मैंने आप लोगों को 3 क्वेश्चन करवाए हैं। बाकी क्वेश्चंस भी बिल्कुल ऐसे ही करने हैं। अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ लीजिएगा। और यहां से हमारा लेक्चर खत्म होता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।